एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करेगा, लेकिन ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई इनकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे, या फिर इन्हें गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब इनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को ये माफ नहीं करते, किसी से कोई सलाह मशवरा करना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनका मानना है कि इनका खुद का ज्ञान इनके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की इनको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं बस। उंगलियों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, खर्चीले होते हैं, मनी मैनेजमेंट उतना अच्छा इनका नहीं होता है। लेकिन आँख बंद करके यकीन ये किसी पर नहीं करते हैं, क्योंकि जुपिटर की फिंगर जब बड़ी होती है तो ये इंसान को थोड़ा शक्की भी बनाती है। अंगूठा उतना अच्छा नहीं है, नुकीला है, तो प्लानिंग अच्छी बना लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करते टाइम उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अंगूठा जब बैक साइड टिल्टेड रहता है तो दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। मिलनसार स्वभाव देता है ये अंगूठा, और ये वाला सिरा बहुत पतला है तो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होगा। यहाँ पर जब एरोलाइक स्ट्रक्चर बनता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग पाया जाता है। परिस्थिति कितना भी निगेटिव हो जाए, सिचुएशन अगर बिजनेस कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा लेते हैं। दिमाग बहुत चलता है बिजनेस में। जुपिटर की फिंगर जो बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। लिटिल फिंगर जो बैंड होता है रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। आपकी हार्ट लाइन इनिशिएट हुई है सैटर्न से। पैसा पहले, परिवार बाद में। थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं लेकिन अच्छे वाले सेंस में। जिनकी भी हार्ट लाइन शनि से स्टार्ट होता है या सैटर्न से, इन लोगों को जीवन में सफलताएं भी खूब मिलती हैं। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन रहती है तो ज्ञानी होते हैं, जिस फील्ड में भी जाते हैं या रहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जुपिटर से जब माइंड लाइन इनिशिएट होती है, पॉजिटिव सोचते हैं ये लोग, अपनी क्षमताओं का आकलन अच्छे से कर पाते हैं, इसीलिए फील्ड जो भी चुनते हैं सही चुनते हैं। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। इसी वजह से बहुत कम आयु में ही इन्हें सफलता मिल जाती है या मिलने लग जाती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है और गोलाई में विनस मान को घेरती हुई जा रही है। जुपिटर के माउंट से जब लाइफलाइन इनिशिएट होता है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और गोलाई में जब वेनस माउंट को ये घेरता है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा, इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मैक्सिमम टाइम इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है तो बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर वाले मदद नहीं कर पाते हैं, हेल्प नहीं कर पाते हैं उतना, और लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं मून माउंट की तरफ, तो विदेश यात्राओं का सौभाग्य मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ पे जाकर के सेटल होने वाला ये पाम नहीं है। जुपिटर का माउंट आपका बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। एक तो माउंट अच्छा है, ऊपर से फिंगर अच्छी है, तो ऑब्वियस है आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाने वाली हैं। गुरु ज्ञान के देवता हैं, इसीलिए आप पर कुछ विशेष ही इनकी कृपा है। मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ तीनों आपकी शानदार रहने वाली है। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बनता है तो कभी ना कभी किसी ना किसी से कर्ज या लोन की समस्या रहती है, लेनी पड़ जाती है। सन माउंट काफी उभार लिए हुए हैं, शानदार है एकदम। नेम, फेम, पैसा बहुत कम एज से ही आपको मिलने लगेगा। इतना उभार लिया हुआ सन माउंट मैंने एक या दो बार देखा है बस, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत बढ़िया है। मर्क्यूरी का माउंट भी बहुत अच्छा है तो बिजनेस सेंस स्ट्रांग होगा। बोलने की कला में आप माहिर होंगे, शब्दों का चयन बहुत सही से करते हैं। यहाँ पे मुझे ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। मर्क्यूरी के माउंट पर जब ट्राइंगल बनता है तो ये इंसान को चालाक,
समझदार और ऐसे लोगों को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इतना तेज़ दिमाग या शार्प माइंड होते हैं ये लोग। फेम की लाइन बड़ी है लेकिन पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी है। ये आपको देश में नेशनल फेम देता है लेकिन बड़ा फेम देता है। आप जो भी सपना देख रही हैं, मुझे वो सपना आपका साकार होता हुआ आपके पाम एनालिसिस के दरमियान ही लगने लगा है। यहाँ पे ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्राइडेंट भी बन रहा है। ट्राइडेंट जब बनता है सन माउंट पे, ऐसे लोग जिस फील्ड में भी होते हैं, जिस फील्ड में भी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या कला के क्षेत्र में जाएं या बिजनेस करें, नंबर वन की कुर्सी इनकी होती है। सैटर्न से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, तो धन रेखा पूरी की पूरी जुपिटर की तरफ मुड़ गई है। ये एक साइन होता है जब जुपिटर की तरफ धन रेखा मुड़ती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना तो तय है, साथ ही बड़ा पद मिलने वाला है। फिश की साइन है, शुक्र वलय बन रहा है आपके पाम में। शुक्र वलय बनने का मतलब होता है ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा बननी शुरू हो जाती है, और जिस घर में ये लोग शादी करके जाते हैं, अगर लड़कियों के पाम में है तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। साथ ही जिस फील्ड में भी रहते हैं, कला के क्षेत्र में वैसे ज़्यादा नाम कमाते हैं, लेकिन जिस फील्ड में भी रहते हैं, नेम फेम पैसा आसानी से इनके पास आ जाता है। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है तो पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, दो दो लाइंस हैं, और स्क्वायर का साइन वो भी है। जब सन लाइन लक लाइन से निकले तो ऐसे लोग पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से अपना भाग्य लिखवा के लेके आते हैं। दूसरों के मुकाबले, जिस भी फील्ड में होते हैं, दूसरों के मुकाबले इन्हें कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलती है। ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ये है लक लाइन और यहाँ से स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग साइन है मर्क्यूरी की लाइन। इससे अटैच्ड होके चल रही है, काटा नहीं है, अटैच्ड होके चल रही है। गवर्नमेंट जॉब आपकी तय है, और बड़ा पद मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब खुद धन रेखा उठ के सीधे जुपिटर की तरफ चली जाती है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पद बड़ा पद मिलने की तरफ इशारा करती है। आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब के साइन है और साथ में आपका बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसके भी साइन बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के साइन बहुत अच्छे हैं। इनाम मास आपका ठीक है, बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि बैक टू बैक राहु के लाइंस आ रहे हैं, कट कर रहे हैं। इस वजह से कोशिश कीजिए अपने हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि सीजन चेंज होने पर या बाहर का खा लेने पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती होगी। विनस माउंट ठीक है, बढ़िया है, पाम बहुत अच्छा है आपका, साइन बहुत अच्छा है इस पे। विनस माउंट उतना अच्छा नहीं है तो लग्जीरियस लाइफ होगी आपकी, सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन उसका एडिक्शन आपको कभी भी नहीं होगा, आप उसके बिना भी आराम से रह सकते हैं। मून माउंट जब यहाँ पे कटता है तो लाइफ में कभी ना कभी
2-3 साल या 4 साल का ऐसा टाइम आता है जब आपको संघर्ष करना होता है किसी ना किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो टाइम कब आता है ये समझ पाना मुश्किल है। ये जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादा समझते हैं। ऑटोमास ठीक है, अपनी पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो अच्छे से वेलकम उन्हें करते होंगे, और जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उनसे मिलना तो दूर, उन्हें हाय कहना भी अच्छा नहीं लगता होगा आपको। आपके माइंड लाइन पे ब्रेक आता दिख रहा है इस एज में, 29 के आसपास, और उस ब्रेक के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तब भी जुपिटर की तरफ ही देख रही है तो पॉजिटिव चेंज ही है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 29 में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ब्रेक नहीं लगता है माइंड लाइन पे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है उस चीज़ में। एक काम करते हैं, पहले इज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं उसके बाद देखते हैं। ऐसे आपके पाम में गवर्नमेंट जॉब के बड़े पद, क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर ग्रेड का जो पद होता है उसके साइन हैं, तो आप कभी भी क्लास 3 वाले एग्ज़ाम देने की कोशिश मत कीजिएगा। एनर्जी बिना मतलब का वेस्ट होगा, क्योंकि किस्मत में इंसान जो पद या जो लिखवा के लेके आता है वही उसे मिलता है, और उसी दिशा में उन्हें काम करना चाहिए। आपके भाग्य में क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर बनने का योग बन रहा है, क्लास 3 नहीं, उसके तरफ मत जाइएगा। बड़ा पद मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा ट्राइंगल आपके जुपिटर के माउंट पे बन रहा है, और इस लेफ्ट पाम में आपके जुपिटर के माउंट पे कंप्लीट है ये फिश का साइन। जुपिटर के माउंट पे जब फिश का साइन रहता है लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली बात है 50% ही रिजल्ट देगा ये, लेकिन देगा। ऐसे लोग पढ़ाकू किस्म के होते हैं, हमेशा किताबों में खुद को उलझाए रखना इन्हें अच्छा लगता है, और खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक तरह से शिक्षा से या ज्ञान प्राप्त करने से काफ़ी लगाव रहता है इन्हें। इस वाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 17 में कोई ना कोई चेंज आया है, 20 में कोई ना कोई चेंज आया, 17 में जो चेंज आया उसके बाद सडन ही एक राहु की लाइन ने काटा है, तो इश्यूज भी आए होंगे, प्रॉब्लम भी आई होगी। ट्वेंटी थ्री में भी मुझे कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपके पाम में दिख रहा है। अब ये चेंज क्या है ये आपसे जब बात होगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। 25 में अगेन फिर से चेंज, और 25 से ही इनफैक्ट आपकी लाइफ ट्रैक पे आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। नहीं, ये 24 का चेंज है। देखिए, जो भी मैं एज आपको बता रही हूँ उसमें 6 मंथ 1 ईयर का तो नहीं, लेकिन 6 मंथ 4 मंथ 5 मंथ का डिफरेंस रहता है। ये मुझे 24 का लग रहा है, मतलब 23 के लास्ट और 24 के फर्स्ट में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज यहाँ पे बनता हुआ, या ये भी कह सकते हैं हम कि 23 और 24 के मध्य में कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। ये 25 के लास्ट होते ही 26 जैसे ही एंटर किया वैसे ही बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एज में आपकी कोई जॉब लगेगी गवर्नमेंट की, और वो जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का, वो मुझे 26 में चांस बनता हुआ दिख रहा है आपका। 26 में चांस नहीं है, इनफैक्ट मैं श्योर हूँ कि आपका तो होना ही है। 26 में जैसे ही सफलता मिली है 27 में एक
राहु की लाइन ही कट गया है, मेजर नहीं लेकिन हाँ इश्यूज बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है 27 के आसपास। और 27 में मुझे आपकी शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। ट्वेंटी नाइन में कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ। 30 में ऑफशूट है तो खुशी मिलेगी। 32 में ऑफशूट है, खुशी मिलेगी। और 32 में इन्वेस्टमेंट भी है। 33 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी। और 35 के आसपास ये जो कट है ये मुझे प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है। 33 के बाद ये 2 साल या 1 साल कुछ मंथ मुझे हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस एज में अपना। ऐसे भी आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, उतनी माफ़ कीजिएगा उतनी वीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु की लाइन्स बहुत हैं, इस पर कट्स बहुत बन रहे हैं, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। 33 के बाद और 35 से पहले हेल्थ इश्यूज़ बनते दिख रहे हैं। उसके बाद ये कट आया 35 के आसपास और तकरीबन 6 माह का ये इश्यूज़ क्रिएट करता हुआ, 6 माह 1 साल का मुझे दिख रहा है। 37 एंड हाफ में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी। फिर 40 में कट है, अगेन प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 35 से 33 के बाद से लेकर थर्टी नाइन के पहले तक मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं आपके, खान पान का ध्यान रखिएगा। 39 पे कट आया तो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद वो जो प्रॉब्लम था वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। 44 से लाइफ आपकी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह से जब लाइफ लाइन से भाग्य की रेखा निकलती है, ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं, किसी की मदद से नहीं, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं, अपनी किस्मत को लिखते हैं। 44 से बड़ा ऑफशूट है, ऑफशूट भी काउंट करते हैं इसे हम लोग, लेकिन मेनली ये लक लाइन की तरह ही काम करता है। फोर्टी फाइव में ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 49 में अगेन बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और 49 में कुछ वक्त के लिए हो सकता है आप फॉरेन में जाकर के 1 या 2 साल के लिए वहाँ पे रहें किसी न किसी काम से, तो ऑब्वियस है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं तो फॉरेन आना जाना तो आपका लगा ही रहेगा। उसके बाद कोई भी मेजर इश्यूज़ मुझे आगे नहीं दिख रहा है। मेन जो है 33 से लेकर के ये 39 तक का जो टाइम पीरियड है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी जो हॉट लाइन है वो एकदम से माइंड लाइन से अटैच्ड होकर चल रही है। एक तरह से देखिए इसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया और ये नीचे माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पाल्मिस्ट्री का नियम है जो लाइन अपनी जगह पे से हट के जिसकी जगह की तरफ जाएगा उसके गुणों को अपनाएगा। आप कभी भी दिल से नहीं सोचेंगी, दिमाग का इस्तेमाल बहुत होगा, दिल से आप कभी भी किसी भी, या कहते हैं इंसान इमोशनल होता है, आप उतने इमोशनल कभी भी नहीं होंगे। आपको लोगों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। आपका मूलांक 9 है और भाग्यांक 1 है। मूलांक क्या होता है, किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा होते हैं,
अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल बनाइए, वो आपका मूलांक होता है। और भाग्यांक क्या होता है, आप किसी जिस भी साल के जिस भी मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं उन सबको प्लस कर दीजिए, डबल डिजिट सामने आएगा, फिर उसको प्लस करिए आपस में और वो जो सिंगल डिजिट बनेगा वो आपका भाग्यांक होता है। मूलांक 9 है तो मूलांक 9 के स्वामी हैं मंगल, मंगल आपको रूल कर रहा है, मंगल आपके ग्रह स्वामी हैं। मंगल के सभी गुण मूलांक 9 के जातकों में पाए जाते हैं, उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, अपनी हर समस्या का समाधान खुद ढूंढना इन्हें अच्छा लगता है, दूसरों पे डिपेंडेंट रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है उतना अच्छा नहीं बीतता इनका, लेकिन अपनी मेहनत से संघर्ष के बल पे ये सफलता को पाके अपनी ज़िंदगी को अच्छी बना लेते हैं। देखिए जिनको भी मंगल रूल करता है ऐसे लोग IAS IPS सेना में या स्पोर्ट्स में जाते हैं। मान सम्मान की चाह इन्हें बहुत रहती है, वैसे भी इनकी जुपिटर की फिंगर बहुत बड़ी है तो ऑब्वियस है ईगो तो होगा, और हमेशा अगर ये कहीं भी जाते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला जो है वो ठीक से इनसे बात करे। जहाँ भी हल्का सा भी इन्हें समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फिर दोबारा ज़िंदगी में उस जगह पे जाना ये पसंद नहीं करते हैं, पूरी लाइफ नहीं जाएंगे। फिर क्रोध भी बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, ऐसे भी जुपिटर की फिंगर जब बड़ी होती है और माइंड लाइन जब इतनी बड़ी होती है तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भरपूर रहता है, और साथ ही इतनी बड़ी माइंड लाइन इंसान को थोड़ा सा हिटलर शाही रवैया भी देता है। आपका भाग्यांक 1 है, 1 अति शुभ है, इसे भगवान सूर्य इसके ग्रह स्वामी हैं, तो सूर्य देवता के सभी गुण भी आपके अंदर पाए जाते होंगे, कार्यकुशल होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से 1 की कुर्सी हासिल कर लेते हैं। किसी भी फील्ड में जाएं कुछ सालों के बाद, भले बहुत लोग उस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, ये बहुत कम टाइम में काफ़ी नाम कमा लेते हैं, और पुराने पुराने लोग भी उस फील्ड के जो होते हैं वो भी इनके आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, और इनकी माइंड लाइन भी यही कह रही है, हार्ट लाइन भी यही कह रही है, ये अपने बारे में पहले सोचते हैं। अब यहाँ पे संयोग बनता या संबंध बनता दिख रहा है 9 और 1 का, 9 और 1। यहाँ पे मूलांक 9 है, भाग्यांक 1 है। अगर जिनका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 9 हो तो सेम रिजल्ट आता है। ऐसे लोग सक्सेस या सफलता बहुत पाते हैं जिंदगी में, बहुत अप्रत्याशित सफलता मिलती है जब 9-1 या 1-9 की जुगलबंदी बैठती है। तो ये भी कहीं ना कहीं UPSC या IPS बनने की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों। ट्वेंटी 26 से ही मुझे लगा है आपके पांव को देख करके कि आप IAS या IPS में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे विष्णु चिन्ह बन रहा है और ये एज तकरीबन 26 के आसपास का ही है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 26 जाते जाते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पाम बहुत शुभ है और माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, शार्प है। इस तरह की माइंड लाइन जब रहती है तो इंसान जिस भी फील्ड में जाए 1 तो बन ही जाता है, 1 की कुर्सी उसकी हो ही जाती है। लेकिन इश्यूज हैं, एक ही मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। 33 से लेकर के 39 का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। और ये आपकी माइंड लाइन पर भी शो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम है
और एक मुझे यहाँ पे आपकी माइंडलाइन टूटती हुई दिखाई दे रही है 28 के आसपास। ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ये वाला कट है, तो ये 28 या 29 में भी कोई इश्यूज आने की चांसेस बन रहे हैं, आने के चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस एज में। 29 में सतर्क रहना आपको, 33 से पहले 32 से ही अपने हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मेजर हेल्थ इश्यूज़ बनने के चांसेस बन रहे हैं उस एज में। शादी आपकी 27 में ही हो जाएगी। अब देखते हैं आपके सवालों का जवाब देते हैं एक करके। अभी आपने सवाल पूछा है घर को लेकर के, तो 24 में मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो या तो आपको जॉब मिलने वाली है 24 में, या फिर घर बदलेगा, क्योंकि चेंज तो यहाँ पे शो हो रहा है, पॉजिटिव चेंज है। तो घर आप घर खरीद सकती हैं या घर ले सकती हैं 24 में, या फिर कोई सफलता मिलेगी इस दरमियान में, जब जो भी आपकी एज है उसके बाद। मुझे 26 से पहले सिर्फ यही एक पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 24 में हो सकता है आप घर लें। शादी आपकी 27 में होगी, बिल्कुल आपका जो पाम है वो यूपीएससी लेवल का ही पाम है, और आप बिल्कुल सही फील्ड में हैं। जहाँ तक बात रही पॉलिटिक्स में या किसी और फील्ड में जाने की, तो बिल्कुल नहीं, उधर मूव करने का रीज़न ही नहीं बनता है। आप जिस फील्ड में हैं बहुत सही है, आप एकदम सही रास्ते पर हैं। ऐसे भी आपकी जो माइंड लाइन है वो कभी भी आपसे कुछ भी गलत डिसीज़न आपको लेने का मौका नहीं देने वाला है, क्योंकि काफ़ी शार्प माइंड हैं आप, और जो भी निर्णय आपने लिया है बिल्कुल सही लिया है। अब उसी मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, सफलता बहुत नज़दीक है। 26 में आप आईएएस कैडर में चुनी जाएंगी, ये मेरी भविष्यवाणी है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होगी। आपका कोई सवाल अगर रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा, और भी जिनको भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो अपनी पाम की पिक जीमेल या नहीं आदत हो गई मुझे जीमेल कहने की, लेकिन व्हाट्सएप पे भेजिए, जीमेल पे दिक्कत होती है हम लोगों को। टेक केयर एंड बाय।